तो दोस्तों फाइनली वीवो Z1 Pro का सक्सेसर वीवो Z2 Pro बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि आने वाला स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और उसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और कब तक स्मार्टफोन को कितने प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन से। तो दोस्तों वीवो Z1 Pro के जैसे ही आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन डिजाइन, जो कि आने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ, और उसके साथ ही स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है गोरिल्ला ग्लास के 5 के प्रोटेक्शन के साथ, और उसके साथ ही बैक साइड में ही आपको 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और उसके साथ ही दोस्तों जैसा कि वीवो Z1 Pro में हमें एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिला था, तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन में हमें एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, जो कि आ सकता है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों वीवो Z2 Pro में हमें देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, जैसा कि रेडमी के K20 और अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी X Pro में हमें देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की कैमरास की, तो दोस्तों बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ, और उसके साथ ही यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आ सकता है 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है एंड्रॉइड क्यू का सपोर्ट, जो कि आ सकता है फंटच OS 9.1 के साथ। और फाइनली बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग आपको 20,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को बहुत ही जल्द यानी दिसंबर से पहले इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लिक कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।